दोस्तों सामने आप देख रहे हो हुंडई क्रेटा और ये है इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। क्यों मैं इसको वैल्यू फॉर मनी कह रहा हूँ ये जब आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। आज जो ये क्रेटा है इसकी बात करने वाले हैं एंड आप सभी को पता है कि 2024 में हुंडई ने इसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। काफी टाइम से डिमांड चल रही थी कि क्रेटा में कुछ चेंजेस करो, क्रेटा का इंटीरियर चेंज करो, क्रेटा का एक्सटीरियर चेंज करो। और जब कंपनी लेकर आई, जब लोगों ने इसकी लीक्ड इमेजेस देखी तो कहा कि यार ये थोड़ा ना वेन्यू की तरह लग रही है, लेकिन अगर आप सामने से देखते हो तो वेन्यू से बहुत ज्यादा अलग लग रही है। जरूर से ये ग्रिल वाला पैटर्न देख के आपको लगेगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस है और गाड़ी बहुत ही ज्यादा अपीलिंग और गुड लुकिंग यहाँ पे लग रही है। वेरिएंट जो हम कवर कर रहे हैं ये है इसका यहाँ पे सेकंड बेस वेरिएंट ईएक्स वेरिएंट, जिसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो चले आता है 12,17,700 रुपए और ऑन रोड आपको पड़ जाती है ये 14,20,000 रुपए की। 14,20 में क्या ऑफर करा जा रहा है, देखो नया लुक मिल रहा है, जो यहाँ पे फ्रंट की स्किड प्लेट है, मेरे को लग रहा था कि नीचे के मॉडल में ऐसी स्किड प्लेट ये यहाँ पे मेंटेन रख पाएंगे, लेकिन उन्होंने टॉप मॉडल जैसी आपको स्किड प्लेट यहाँ पर दे रखी है। ग्रिल पैटर्न जरूर से यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश वाला देखने को मिलता है और सैटिन फिनिश में नया वाला हुंडई का लोगो आ चुका है, मेरे को पुराना वाला ज्यादा बढ़िया लगता था। लेकिन अगर हम लाइट्स में देखते हैं तो नीचे के मॉडल में यहाँ पर जरूर से कनेक्टिंग लाइट्स नहीं है, लेकिन डीआरएल भी नहीं है। अब आप कहोगे यार ये डीआरएल तो जल रहे हैं इसके, लेकिन ये है इसकी पार्किंग लाइट जिसको हम पायलट लैंप्स कहते हैं। एलईडी में है ये, लेकिन लग सिंपल सी रही है, डीआरएल जैसा काम ये कर लेती है। और अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हेलोजन प्रोजेक्टर लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए आपको मिल जाता है इसमें रिफ्लेक्टर सेटअप, बाकी एयर डैम आपको साइड में देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप ऊपर साइड देखते हो तो आपको ढेर सारे यहाँ पे क्रीजेस देखने को मिलेंगे, जिससे जो ओवरऑल फ्रंट का लुक है ये थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड और एग्रेसिव भी नजर आता है। इंजन की बात करता हूँ, खोलता हूँ मैं इसका हुड और जरूर से जो इसका यहाँ पे हुड है, बोनट है, इसमें यहाँ पर वेट एड ऑन करा है, काफी भारी हो गया एक हाथ से उठाने में ये। ऊपर साइड आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है और नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हुंडई का रिफाइंड इंजन 1.5 लीटर MPI, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इसका यहाँ पे पेट्रोल वेरियंट मैनुअल ट्रांसमिशन वाला। और अगर आप पीछे देखोगे इंसुलेशन है और नीचे से भी गाड़ी को पूरा यहाँ पर पैक करा गया, ये चीज बहुत बढ़िया लगी मेरे को। 1500cc का इंजन है और ये निकालता है 103 की BHP, बाकी 144 Nm का टॉर्क, डिसेंट सा यहाँ पे आपको पावर और टॉर्क का ये कॉम्बिनेशन दे रहा है। माइलेज की बात करते हैं, कंपनी क्लेम करती है 17 का माइलेज और आप शहर में करीब करीब निकालते हो 11 से 12 का, एंड हाईवेज में डिपेंड करता है चलाते कैसे हो, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं निकल पाता है हुंडई की क्रेटा से, जो कि इसकी ये पेट्रोल वाली आती है। फिर भी आप मान के चलो कि लमसम 17 से 18 का माइलेज ये निकाल लेगी। डीजल लोगे तब आपको 20 से ज्यादा का माइलेज देखने को मिलता है, नहीं तो 17-18 पे ही मेंटेन यहाँ पर रहता है। वारंटी आपको मिल जाती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की, अच्छा वारंटी का नंबर है। और फिर से पूरे इंजन का बेच चेकआउट कर लो, करते हैं इसे बंद, आते हैं साइड प्रोफाइल से। और अगर आप साइड से लुक चेकआउट करोगे तो यहाँ से ये लगती है भैया पूरी पुरानी वाली क्रेटा, इस तरीके से। डायमेंशन में ज्यादा कोई चेंज नहीं करा है, सारे डायमेंशन बिल्कुल सिमिलर रखे गए हैं, क्योंकि एक फेसलिफ्ट है ये, जनरेशन चेंज तो है नहीं। और इसके जितने भी डायमेंशन रहने वाले हैं, इसकी लेंथ, व्हील बेस, हाइट, वेट, सब चीज आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ कि ईएक्स वेरिएंट ऑफर क्या कर रहा है, टायर से शुरुआत करते हैं। कंपनी आपको दे रही है अपोलो के टायर और जो सेटअप मिल रहा है आपको कंप्लीट वो है 205/65/8/16 का। चारों टायर में डिस्क ब्रेक है और कंपनी से ही आपको इस तरीके से व्हील कवर देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन जो है सॉफ्टर स्टिफर का कॉम्बिनेशन रखा गया है, बाकी फेंडर में देखो, रनिंग बोर्ड में देखो, आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है और नीचे भी आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। और जो इंडिकेटर है वो आपको ORVM में नहीं मिलते, वो आपको मिलते हैं फेंडर में, जो कि थोड़ा सा आपका लुक खराब कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज को अगर आपको हटाना है तो आपका पूरा फेंडर वाला पार्ट ही हटाना पड़ता है, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉस्टलियर पड़ जाता है अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हो। और जिसके ORVM है ये आपको इस तरीके से फोल्ड करने पड़ेंगे, एडजस्ट आप इसको अंदर इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। और ए पिलर बॉडी कलर मिल रहा है, बाकी सब चीजें मैट फिनिशिंग में रखी गई है और सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट पीछे डाल रखा है। रूफ रेल नहीं है, ना ही की कोई सनरूफ है, लेकिन शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। 14-20 में ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो फ्यूल टैंक का गेट है वो मिलता है को ड्राइवर साइड और 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और E20 ये सपोर्ट करता है, क्योंकि BS6 Phase 2 इंजन है इसमें। पीछे से गाड़ी का लुक अगर हम चेकआउट करते हैं तो नीचे के मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में आपको कनेक्टिंग लुक मिल जाता है। फर्क ये है कि अगर आप ई वेरियंट लोगे और ईएक्स लोगे जो कि हम कर रहे हैं, इसमें आपको मिलती है हेलोजन ब्रेक लाइट्स कुछ इस तरीके से, बाकी जो इंडिकेटर वगैरह हर एक चीज हेलोजन में डाल रखी है, लेकिन जो हुंडई का लोगो है वो डाल रखा है ग्लास पैनल के अंदर, जो कि बहुत ही सही लगता है। क्रेटा लिखा हुआ मिल जाएगा, कौन सा वेरिएंट है कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से डीबैजिंग करी गई है, मस्त लग रही है ये चीज। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, 4 पार्किंग सेंसर इस तरीके से और एक बीच में आपको मिलेंगे, और जो डिफ्यूजर है ये भी काफी स्पोर्टिया लग रहा है, तो यहाँ पर कंपनी ने काम करा है। और बीच में आपको मिल जाती है रिवर्स वाली लाइट, कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वाले मॉडल में। खोलते हैं इसकी बूट स्पेस,
तो 433 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल रही है पहले की ही तरह। पार्सल ट्रे इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी, आपको एक्सेसरी में परचेस करनी पड़ेगी। और जो पीछे की सीट है ये आती है 60-40 स्प्लिट सीट के साथ, लेकिन जो बूट स्पेस है इसका मैं फ़ैन हो गया हूँ, अच्छी आपको बूट स्पेस मिल जाती है। साइड में चेकआउट करोगे तो लाइट नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर स्पेस वगैरह है, यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, इसके नीचे मिल रहा आपको स्पेयर व्हील का टायर, और उसका जो सेटअप है बिल्कुल आपको सेम मिलता है 205/65R16 का। तो यहाँ से करते हैं डिग्गी इसकी बंद, और हमने गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर अच्छे से चेकआउट कर लिया है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड। इंटीरियर में जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप लाइक जरूर से करना, बाकी 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। खोलते हैं डोर, और डोर अगर मैं खोलूं तो हाँ, हैवीनेस फील हो रही है यहाँ पे। और सबसे पहले दरवाजे की ही बात करते हैं, ड्यूल टोन फिनिशिंग मिल रही है, सॉफ्ट टच कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है। और अगर मैं ड्राइवर साइड की विंडो चेकआउट करूँ एक बार, नहीं, ना तो ये वन टच डाउन है, ना ये वन टच अप है। इस तरीके से इसको बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर देखोगे साइड वाले मिरर आपके यहाँ से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं, और कोई भी क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ प्लास्टिक फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। स्पेस यहाँ पे फ़ोन कैरी कर सकते हो, नीचे साइड एक छोटी वाली पानी की बोतल, एक बड़ी वाली पानी की बोतल, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, बाकी यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है। सीट की बात करता हूँ तो सीट आपको मिलती है कम्प्लीट तरीके से फैब्रिक में, और जो डिज़ाइन है बिल्कुल आपका इंटीरियर के डैशबोर्ड से मिलता जुलता यहाँ पे रखा गया है, वाइट और हल्का सा ग्रे कलर में। और यहाँ पर देखिए साइड में जो कि मेन चीज़ है, हाँ, आपको मिल जाता है हाइट एडजस्टमेंट का लीवर, बहुत बढ़िया चीज़ है। साइड में चेकआउट करोगे तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, बीम जो आप इसके एडजस्ट कर सकते हो, चाबी आपको इस तरीके से लगानी पड़ेगी। और अगर मैं सीटिंग कम्फर्ट की बात करता हूँ तो सीटिंग कम्फर्ट में इसके कोई भी दिक्कत नहीं है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। थाई सपोर्ट की बात करता हूँ, लंबर सपोर्ट की बात करूँ, बैक सपोर्ट की बात करूँ, हेड सपोर्ट की बात करूँ, स्पेस की बात करूँ, कोई भी कमी पेशी नहीं है। एंड ये जो सीट आपको होल्ड भी काफ़ी अच्छी तरीके से करती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करता हूँ तो ये आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 स्पोक देखने को मिल जाते हैं, और लेदर रैप नहीं है। एंड आपको ये हल्का सा सिल्वर और ग्रे फिनिश में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर सिल्वर ट्रीटमेंट ग्लॉसी में देखने को मिल जाएगा, और हल्का सा ट्रीटमेंट यहाँ पर भी गया हुआ है। माउंटेड कंट्रोल्स आपको दोनों साइड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसका जो इंफोटेनमेंट आप उसे ऑपरेट करोगे, एंड यहाँ से आपका जो क्लस्टर रहता है उसे ऑपरेट करोगे। बाकी अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक दोनों चीजें देखने को मिल जाती है, बढ़िया है। यहाँ से आपके वाइपर के कंट्रोल्स हैं, एंड यहाँ से आपके लाइट के कंट्रोल हैं, और ऑटोमेटिक आप देखोगे आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर देखने को। क्लस्टर की बात करते हैं तो जिसका जो क्लस्टर है एंड जो यहाँ पे डिस्प्ले आती है, ये पूरा एक कनेक्टेड लुक के साथ आता है। अगर ऊपर से भी देखोगे तो ये पूरा इस तरीके से कनेक्टेड लुक के साथ आता है, और ड्राइवर की तरफ को इसे थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट कर रखा है, ड्राइवर ओरिएंटेड बना रखा है, ये चीज मेरे को बढ़िया लगी। और एक बार आपको पहले मैं चाबी शो करता हूँ, तो चाबी आपको इस तरीके से मिल जाती है फ्लिप की वाली, ठीक है, एकदम ऐसी चाबी में कोई चेंज नहीं है, बस ये लोगों का ही चेंज है ये। और यहाँ पर देखोगे तो आप इसकी जो डिग्गी है इसे अनलॉक कर सकते हो, रिलीज तो कर नहीं पाओगे क्योंकि इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है। बाकी आपको इस तरीके से लॉक अनलॉक के बटन मिलते हैं, और यहाँ से इस तरीके से भैया हमने कर दिया गाड़ी के इग्निशन ऑन। तो आपको जो डिस्प्ले मिल रही है देखने को, ये डिस्प्ले है इसकी वेन्यू वाली, और कंप्लीट तरीके से डिजिटल है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिलेगी। साइज भी काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ से आपका इंटरनल टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान सकते हो, जैसे टायर प्रेशर, और ये सारी जो चीजें हैं ये आपको इसके बेस मॉडल से देखने को मिल जाती है। ये चीज मेरे को बहुत सही लगी कि बेस मॉडल से TPMS दे दिया, और साथ ही साथ आपको 6 एयरबैग ये भी इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिए हैं। यहाँ पर आओगे तो आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली सपोर्ट करती है। और टॉप मॉडल्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको वायर के साथ कनेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि उनमें ब्लू लिंक देखने को मिलेगा, और इसमें ऐसे ब्लू लिंक वगैरह है नहीं, लेकिन टच रिस्पॉन्स आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, और इजी टू यूज बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वॉल्यूम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी ऑपरेट वगैरह कर सकते हो गाड़ी को चलाते चलाते। नीचे साइड AC वैन का डिज़ाइन है, और देखो यूनिट कंप्लीट तरीके से चेंज करी गई है, AC वैन का डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर जो बटन है ये तो पहले की तरह रखे गए, लेकिन ये जो सेगमेंट रहता है इसे चेंज कराया गया, थोड़ा डिज़ाइन थीम चेंज कराया गया है। कॉपर यहाँ पर जो कलर है ये भी इंट्रोड्यूस कराया गया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। AC जो है मैनुअल छोड़ा गया है, इसके नीचे काफ़ी बड़ी स्पेसिंग है फ़ोन के रखने के लिए, नहीं तो आप फ़ोन अपना छोटा फ़ोन है तब यहाँ पर भी इस तरीके से कैरी कर सकते हो, और यहाँ पर भी कैरी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको इस तरीके से ग्रिपिंग्स मिल जाती है, ठीक है, रबर का पैड मिल जाता है। टाइप C का पोर्ट है, टाइप A का पोर्ट है, बाकी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है,
और 6 स्पीड का आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिल रहा है। और सेकंड बेस मॉडल में काफी अच्छा आपको गियर नॉब देखने को मिलेगा, ग्लॉसी ट्रीटमेंट क्रोम वगैरह के देखने के साथ। और रिवर्स लगाना है, ऐसे नॉब उठा के लगेगा, ठीक है। कैमरा तो है नहीं, फिर पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पर आपको 2 कप कैरी करने की जगह मिल जाएगी। बाकी काफी बड़ा आर्मरेस्ट है जो कि फिक्स रहता है, और ये कंप्लीट तरीके से लेदर में है। इसे ओपन करते हैं, स्पेसिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखोगे तो मैनुअल डिमिंग IRVM मिल रहा है, इस तरीके से सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, लाइट सेलोजन में मिल रही है पूरी। और यहाँ पर देखो तो काफी बड़ा मिरर मिल रहा है, एंड इस साइड देखोगे तो सिर्फ आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड में देखोगे तो सॉफ्ट टच हैंडल बार है, और सीट बेल्ट में हाइट एडजस्टमेंट का लीवर हो गया, और यहाँ पर फोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, लेकिन स्पेस अच्छी है। सेफ्टी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो न्यूज निकल कर आई है वो ये है कि जैसी इन्होंने क्वालिटी आपको वरना में ऑफर करी है, जिन्होंने साइड से एक हाई स्ट्रेंथ स्टील लगा रखा है, सेम ये कह रहे हैं कि हमने क्रेटा में भी लगा रखा है, और अभी कोई भी एनकैप टेस्टिंग हुई नहीं है, तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि एक्चुअल जो स्टार्स हैं वो इसको कितने मिले हैं। मेरे हिसाब से 4 या 5 तक जा सकते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल में एडास भी देखने को मिल रहा है, और 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं। बाकी ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, ट्रैक्शन, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। एंड अब चलते हैं पीछे की तरफ। लो जी, खोल दिया हमने पीछे का डोर, एंड अगर हम देखते हैं डोर को तो बिल्कुल फ्रंट की तरह ही है, ड्यूलटन फिनिशिंग मिलेगी, हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, और पावर विंडो का बटन मिल जाएगा आपको, फ़ोन कैरी करने की स्पेस मिल जाएगी, बाकी बड़ी वाली पानी की बोतल कैरी हो जाएगी, बाकी यहाँ पर भी स्पेसिंग है, एंड स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं। अंदर देखते हैं तो चौड़ाई बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, मैं कहूँगा 3 लोग आराम से बैठ जाओगे, और अगर बीच में छोटा बच्चा है तब तो आपका पता भी नहीं चलेगा कि वो बैठा भी नहीं बैठा, इतनी स्पेसिंग बच जाती है लेफ्ट और राइट में। बाकी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जा रहा है, एंड जिसका रिक्लाइनिंग एंगल है अब उसको भी यहाँ पे कम और इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। और सेंटर में अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, और इसमें आपको 2 कप कैरी करने की फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी AC वेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और 2 Type-C के पोर्ट मिल जा रहे हैं, फ़ोन को आप कैरी कर सकते हो। बाकी को ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट है, एंड ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट नहीं है। और अंदर बैठते हैं, बाकी डोर कर लेते हैं बंद। ऊपर साइड देखोगे तो हेलोजन में लाइट आपको इस तरीके से देखने को मिल जा रही है, और कोई भी आपको यहाँ पर कोट हैंगर देखने को नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए था, कभी कभार यूज हो जाता है वो। सीटिंग कंफर्ट की बात कर रहा हूँ तो रिक्लाइनिंग एंगल सेट करने की वजह से अब जो यहाँ पर बैक का सपोर्ट बन रहा है वो बहुत अच्छा बन जा रहा है। इन्होंने ये चीज़ वेन्यू में पहले लॉन्च करी थी, पता नहीं हुंडई वाले ऐसा क्यों करते हैं कि पहले जो भी चीज़ इनको क्रेटा में करनी है वो पहले वेन्यू में जरूर करते हैं लोग। तो अब ये रिक्लाइनिंग एंगल बढ़ाने की वजह से बैक को अच्छा सपोर्ट मिल जा रहा है, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, स्पेसिंग वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, और जो हेडरूम स्पेस है वो भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कंक्लूजन की बात करते हैं सीधे, 14,20,000 रुपये प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको गाड़ी काफ़ी बड़ी मिल जा रही है, 6 आपको एयरबैग्स मिल जा रहे हैं, और जो सेफ्टी है जिसको लेकर चिंता होती थी वो भी यहाँ पर इंक्रीज करी गई है। कितनी बढ़ाई है वो तो यहाँ पे एनकैप के रिजल्ट के बाद ही बता पाएंगे, अदरवाइज देखते हैं तो फीचर सारे ही मिल रहे हैं हमको। कनेक्टेड लाइट्स पीछे मिल जा रही है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, आगे पीछे AC वेंट मिल जा रहे हैं, मोटर कंट्रोल हमें देखने को मिल रहे हैं, जरूर से क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कैमरा आप लगा सकते हो। और क्रूज कंट्रोल की जरूरत मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा तो लोग इसलिए यूज़ करते हैं जिनको माइलेज निकालना होता है, अदरवाइज गाड़ी को अगर फील करना है तो फिर क्रूज कंट्रोल कहीं ना कहीं आपका मज़ा फीका कर देता है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें ऑफर करी जा रही है हमें। तो आपको ये जो वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट, आपको कैसा लगा? 14,20,000 रुपये में आपको ये गाड़ी वर्थ लग रही है नहीं लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।